नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं माधव आश्रम भोपाल में और हमारे साथ अभी हेमंत जी हैं। तो आइए चलते हैं इनके साथ, जो है एक बारी पूरा माधव आश्रम हम घूमते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और आपके लिए भी जिसमें जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। दोस्तों, ये अभी हम समाधि स्थल में जा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर पूरा एक फूलों से सजा के ये पूरा बनाया हुआ है और ये देखिए काफ़ी इन्होंने यहाँ संदेश भी लिखे हुए हैं। ये कुछ अग्निहोत्र के बारे में बताया हुआ है कि उस पर क्या क्या प्रभाव है मनुष्य पर, और ये आप आगे देखेंगे तो ये आप देखेंगे हमारी जैविक घड़ी और अग्निहोत्र, और उसके बाद आप देखेंगे अग्निहोत्र का प्रकृति पर प्रभाव। तो इसी तरीके से ये सारा दिया गया है। तो ये सारा आप देखेंगे दोस्तों, ये अग्निधाम के नाम से ये समाधि स्थल है पूरा यहाँ पर, और ये यहाँ के जो ये इस जगह यहाँ बैठ के होती है यहाँ पे ये अग्निहोत्र इधर किया जाता है, और इसको जो है अग्निहोत्र करने के बाद इसको अगले 12 घंटे के लिए यहीं पड़े रहने दिया जाता है। ये जो माधव स्वामी जी जिन्होंने शुरू किया, ये 1963 से अग्निहोत्र जो है यहाँ कंटिन्यूअस सुबह शाम हो रहा है इस जगह पे। ये जो है माधव स्वामी जी का समाधि स्थल है, ये आप देखेंगे। ये इनका स्वामी जी का समाधि स्थल है, ये काफी अच्छा साफ सुथरा एकदम परिसर है। ये इनके स्वामी जी के गुरु जी का समाधि स्थल है, और ये माता जी का और ये जो माधव स्वामी जी की पत्नी है ये उनका समाधि स्थल है। और यहाँ दोस्तों काफी प्राकृतिक एक वातावरण है यहाँ पर, और ये बैरागढ़ में मेन रोड पर ही है माधव आश्रम जो है। ये आप देखेंगे, ये भगवान परशुराम का समाधि स्थल है। ये दोस्तों ये इनका कार्यस्थल है यहाँ पर, यहाँ से जो है अग्निहोत्र पात्र का जो पूरा डिस्पैच होता है वो है सारा। ये आप देखेंगे ये बैठने के लिए और उसके लिए जगह है, काफी बड़ा ये पीपल का पेड़ यहाँ पर है। शरणागति है, जो भी कार्यक्रम होता है उसका आयोजन यहीं किया। अच्छा, ये शरणागति है, ये इनके कार्यक्रम जितने भी होते हैं उनका आयोजन इधर से होता है। और ये आगे जो है अगली बिल्डिंग, इसमें कैंटीन है, और जो भी यहाँ अतिथि आते हैं वो अपना जलपान या नाश्ता या भोजन अपना इधर करते हैं। ये देखेंगे आप दोस्तों, ये कैंटीन का एरिया है और काफी साफ सुथरा और एकदम वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर बैठ के आप जो भी लोग आते हैं वो अपना भोजन कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर जो है ये यज्ञशाला भी है, और यहाँ पर अभी यज्ञ चल भी रहा है तो हम अभी अंदर जाके डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ हर अमावस्या पूर्णिमा पे 24 घंटे का जो है यज्ञ चलता है पूरा, और इसकी आप देखें परिक्रमा भी है। तो आइए दोस्तों अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये गौशाला है, यहाँ पर इन्होंने जो है माधव आश्रम में गिर गायें रखी हुई हैं। तो इन्हीं गायों का जो दूध होता है उससे घी बना के ये जो किट में आता है खिलौना घी, वो इन्हीं गायों का ही आता है। इसके बाद यहाँ पर ये स्कूल भी है बच्चों के लिए, श्री विद्या निकेतन
ये 12वीं तक है, ये नर्सरी से 12वीं तक का स्कूल है, आश्रम से ये आश्रम की तरफ से ही संचालित है। और यहाँ अभी कितने बच्चे पढ़ते हैं? लगभग 300 से 400 बच्चे हैं। ठीक है, ये सामने जो कंटीन हमने देखी थी, ऊपर इसमें जो है रूम्स हैं जिसमें अतिथि रुक सकते हैं। ये एक गौशाला का और दूसरा एक भाग है जहाँ पर ये चारा का स्टोरेज है, और यहाँ पर भी कुछ गायें हैं जो इनके पास होती हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी लगभग, वहाँ भी 20 गायें थी और यहाँ भी लगभग 20 गायें के बराबर हैं। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे जो भी बाहर से अतिथि आते हैं उनके लिए है। और ये सामने जो है ये सार्थक नाम से है, ये नलिनी माधव जी का खुद का निवास स्थान है जिसमें वो खुद रहती हैं। ये बगीचा है एक माधव आश्रम में, इसमें अमरूद के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, अलग अलग पेड़ हैं यहाँ पे। और ये पूरा जो है खेती है यहाँ पर, इसमें अभी इन्होंने बरसीम लगा रखी है गायों के लिए और कुछ सब्जियां भी लगा रखी हैं आगे, आप देखेंगे। ये पीछे जो है कामगार जो यहाँ पर लोग काम करते हैं उनके निवास की व्यवस्था भी है यहाँ पे, तो उनका निवास स्थान है दोस्तों। ये पूरा माधव आश्रम मैंने आपको भी दिखाया, यहाँ पर जो जो भी प्रकल्प चलते हैं उनके बारे में आपको मैंने बताया। आप ज़रूर यहाँ आएँ और कुछ समय रहें, बहुत शांत इलाका है यहाँ पर, आप अग्निहोत्र सुबह शाम करें, खुद भी करें और देखते हुए भी हों, और बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ ये क्षेत्र है।